मालदीव ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच द्वीप राष्ट्र की मदद के लिए 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता मुहैया कराने पर भारत को धन्यवाद दिया है। भारत इस महामारी से निपटने के लिए मालदीव को सबसे बड़ी वित्तीय सहायता देने वाला देश है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम चर्चा के दौरान कहा कि इस वैश्विक महामारी ने वैश्विक सहयोग की महत्ता रेखांकित की है। मालदीव ने हमारे मित्रों और द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारों के सहयोग के बिना हम इस संकट का सामना नहीं कर पाते। शाहिद ने कहा, हम अपने उन सभी साझेदारों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ऐसे समय में उदारता के साथ वित्तीय मदद, सामग्री एवं तकनीकी सहायता मुहैया कराई, जब वे स्वयं भी चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। इसका एक उदाहरण भारत है। भारत ने हाल ही में 25 करोड़ डॉलर की सहायता मुहैया कराई, जो कि इस वैश्विक महामारी के दौरान किसी एक देश द्वारा मुहैया कराई गई सबसे बड़ी वित्तीय सहायता है। मंत्री ने उम्मीद जताई कि कोरोना वायरस का टीका विकसित होने पर हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।